हाय, मैं हूँ शाहीन सैयद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन गोला कबाब। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ मैंने एक चॉपर लिया है, इसमें मैंने चिकन डाला। ये चिकन होगा अराउंड 300 ग्राम्स। इसमें हम डालेंगे एक टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने यहाँ पे दो ऑनियंस को फ्राई कर लिया था, वो ऑनियन हम डाल रहे हैं। ये चना दाल या पुटाना जो होता है, पुटाना का पाउडर है ये, जो मैंने रोस्ट किया है, ये 3 टेबलस्पून हम डालेंगे। इससे हमारे कबाब थोड़े सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए, ये है जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और ये है नमक, ये हम इसमें डाल रहे हैं। हरी मिर्ची हमने ली है 3 अदद, एक प्याज लिया है कच्चा, और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना, ये भी हम इसमें डालेंगे। इन सारी चीजों को अब हमें चॉपराइज करना है। अब ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज चॉपर यूज कर रही हूं, तो इसलिए मैं चॉपराइज करूंगी। देखिए, ये कबाब जो हमने मिन्स जो चॉपराइज किया था सारे मसालों के साथ, ये रेडी है। अब मैं बनाने जा रही हूँ इसका कबाब। पहले आप अपने हाथों को गीला इस तरीके से वेट कीजिए, थोड़ा सा आप बॉल स्कूप आउट कीजिए, आपको जितने भी साइज का बनाना हो। अभी गोला कबाब है तो आप उसको थोड़ा इस तरह से लंबा भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाला है। आप घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज ऑयल में बना रही हूँ। और दूसरी तरफ हमने कोयला लिया है, जिसे हमने बर्न करने के लिए रख दिया है। इसे हमें अच्छी तरह से बर्न करना है, जब तक कि ये बिल्कुल रेड हॉट ना हो जाए। हमें इसे कोयले का बघार देना है। अब जब ये तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें गोले कबाब डालेंगे। देखिए, 2 मिनट हो चुका है, ये कबाब थोड़े से फॉर्म हो चुके हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा व्हाइट हो चुका है ये नीचे से। तो अब हम इसमें स्पून नहीं डालेंगे, हम सिर्फ इसे उठाकर यूं इस तरह से रोटेट करेंगे। अच्छे से आपको इसको रोटेट करना है। एक बार ये थोड़े फॉर्म हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा स्पैटुला चला सकते हैं, लेकिन आपको ये बहुत आराम से करना पड़ेगा, टूट सकते हैं। देखिए, हमारे कबाब भी रेडी हो चुके हैं। कितना अच्छा कलर आ चुका है इन कबाब को। अब हम इसे कोयले का बघार देंगे। इसे आप मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं। अगर आप इसे बहुत लो फ्लेम पर बनाएंगे तो कबाब हार्ड हो सकते हैं। अब हमने इसमें एक सिल्वर फॉइल की कटोरी बनाई है, वो मैंने रख दिया है इससे। और ये बर्निंग कोल जो है वो हम इसमें डालेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच घी डालूंगी। जैसे ही स्मोक होना स्टार्ट होगा मैं इसको कवर कर दूंगी। यहां पर हम फ्लेम कर देंगे बंद। याद रखिए, चूल्हा बंद करना ना भूले, वरना ये कबाब जल जाएंगे। इसे हम इसी तरह रहने देंगे कम से कम 8 से 10 मिनट तक। देखिए, हमारा कबाब जो है ये अच्छे से इसमें स्मोक रश बच चुका है। अब हम ये फॉइल हटा देंगे क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। देखिए, इस तरह से मैंने सारे कबाबों को डिश आउट कर लिया है। हम थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, और थोड़ा सा कैबेज जो मैंने लिया था वो हम डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर छिड़क दिया है। थोड़ा सा हम सिरका डालेंगे। तो ये देखिए, हमारे गोला कबाब रेडी हैं। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हैं, किसी सॉस के साथ खा सकते हैं। ये एक स्टार्टर ही है। मेरा फेसबुक पेज है लेट्स कुक विद शाहीन सैयद। प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।